दोस्तों अगर आपको एक गेमिंग लैपटॉप लेना है ROG Strix G16 जो है ना आपकी लिस्ट में ऊपर होना चाहिए। जी हाँ, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लेकिन गेमर्स के लिए तो ये लैपटॉप जबरदस्त है। सोचिए गेमिंग आप 200 FPS से कर पाओगे, क्रेजी गुड। चलिए खोलते हैं आज इस बड़े से बॉक्स को, दिखाते हैं सब कुछ, इसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन करने वाले एंड कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। और सिर्फ गेमिंग लैपटॉप ही नहीं दोस्तों, इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, आप वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करते हो, दिस कैन बी वन ऑफ द बेटर लैपटॉप्स आउट देयर। Okay, this is a big laptop. बिग वन, ठीक है। और क्या है बॉक्स के अंदर? बड़ी सी ब्रिक है दोस्तों, 280 वॉट चार्जर आता है, दिस इज ह्यूज। एंड देन यू ऑल्सो हैव दिस केबल, पावर केबल। और क्या है? डॉक्यूमेंटेशन, यस देयर इज डॉक्यूमेंटेशन। व्हाट एल्स? नहीं, और कुछ नहीं है। मुझे इसका बॉक्स लेकिन अच्छा लगा थोड़ा, यू नो, नाइस पैकेजिंग। ऑलराइट, लेट्स कीप द बॉक्स असाइड, लैपटॉप के पास देखते हैं। ROG इंटेलिजेंट कूलिंग, ROG नेबुला डिस्प्ले। जी हाँ, दिस इज अ नेबुला डिस्प्ले, बहुत सारी चीजें, सबके बारे में बात करेंगे। बट अगर आप आगे से देखोगे इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा कि दिस इज एन ROG लैपटॉप। जी हाँ, ये जो लोगो है आपको उधर ही दिखता है सामने। और दोस्तों गेमिंग लैपटॉप है, इसके थर्मल्स बहुत जबरदस्त होने चाहिए। इधर इंटेलिजेंट कूलिंग लिखा हुआ है, नीचे की तरफ नियरली सब जगह पे आपको एयर इनलेट्स मिलते हैं, उसके लिए ग्रिल्स जो है वो है। एंड देन आउटलेट, ये देखिए राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में भी है, और पीछे की तरफ भी है। दिस एंटायर थिंग इज हीट सिंक। जी हाँ, सो जो गर्म हवा है वो इधर से बाहर आती है टू कीप द लैपटॉप कूल। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके जो रबर फीट्स है दे आर क्वाइट थिक, इसीलिए जब वो रेस्ट होता है टेबल के ऊपर या जहां पे भी आपने रखा है, देयर इज लॉट ऑफ स्पेस फॉर एयर टू ट्रैवल। बिल्ड सही में बहुत अच्छी है। ये जो है दोस्तों दैट इज एल्युमिनियम, नीचे की तरफ हार्ड प्लास्टिक है, बट ओवरऑल एक्सट्रीमली गुड क्वालिटी। एंड एक बात कहूं, इट इज हेवी, इट इज ऑन द हेवियर साइड। दोस्तों अगर वेट के बारे में बात करूं, दिस शुड बी क्लोज टू 2 kgs, 2.25 kgs, probably 2376. So I was close. 2.37 kgs hai. So yeah, it is on the heavier side, and that is expected. Ek gaming laptop hai. Chaliye ports and buttons ki taraf dekh lete hain. Right hand side pe do USB Type A ports hai. Piche ki taraf kuch nahi hai. Left hand side is busy. Ji haan, ye power port hai, RJ45 hai, HDMI port hai, and then you have also got 2 USB Type C port, jisme se ek Thunderbolt port hai. Iska matlab PD charger agar aapke paas hoga, to aap isse charge kar paoge. You don't need to carry that big heavy jo adapter hai wo. And then you also have a 3.5mm jack. Ye jo white strip dikh rahi hai dosto, that is RGB lights. Yes, and niche ki taraf dono taraf aapko speaker grill bhi milte hai. So that is what exterior is. Let's open. Oh wow, look at the bezels. Generally दोस्तों जो gaming laptops होते हैं ना, उनके bezels बहुत ही मोटे होते हैं, and surprisingly इतने छोटे bezels होने के बावजूद ऊपर आपको एक webcam भी मिलता है। This is a 720p webcam, लेकिन वो है wow. इसका मतलब ये 15 इंच के लैपटॉप की चैसी में आपको 16 इंच की स्क्रीन मिल रही है, एंड दैट इज रियली ग्रेट। वैसे अगर डिजाइन के बारे में बात करूं दोस्तों, ROG की बैजिंग आती है, जी हाँ, थोड़ा अलग ही है, थोड़ा टिल्टेड रखा हुआ है। एंड देन यू हैव ऑल दिस स्टिकर्स, नीचे का जो चिन है दोस्तों आगे, दैट इज स्लाइटली थिक, एंड देन अगेन ROG Strix लिखा हुआ है। कीज आर वेरी नाइस, ट्रैवल डिस्टेंस सही में अच्छा है, टैक्टाइल है, कुछ 2mm की ट्रैवल डिस्टेंस है, सो दैट इज गुड। और हाँ, आपके जो गेमिंग के कीज होते हैं QWERASDF, ये हाइलाइटेड है, और याद रखिए दिस इज अ RGB कीबोर्ड, बैकलिट कीबोर्ड। टचपैड के बारे में बात करूं तो दिस इज अ ग्लास टचपैड, एंड साइज इज प्रीटी बिग, मतलब इट इज ह्यूज। एंड इसका फिनिश भी जो है वो सैटिन का है, सो यू विल फील गुड ऑन दिस। एक चीज मैंने नोटिस की दोस्तों कि ये जो टचपैड है ना, ये नम पैड नहीं है। जनरली इनके लैपटॉप्स में, आई थिंक स्कार में वो नम पैड होता है, दिस डज नॉट हैव दैट। बायोमेट्रिक नहीं है, फिंगरप्रिंट जहां पे होता है पावर ऑन ऑफ बटन के लिए वो नहीं है। बट लुक एट दोस कीज, ट्रांसपेरेंट कीज है दोस्तों, जस्ट लुक एट दैट, दिस लुक्स ब्यूटीफुल। आई मीन कहीं पे भी आप खोलोगे एंड मशीन स्टार्ट करोगे, यू आर गोइंग टू लव दिस, आई लव दिस कीबोर्ड। वैसे बायोमेट्रिक नहीं है, एंड विंडोज हेलो का भी सपोर्ट नहीं है इसके अंदर। लुक एट दैट डिस्प्ले, वेरी वेरी इंप्रेसिव डिस्प्ले। वैसे आपको बता दूं, इसका जो छोटा वर्जन है, हमारे पास मिडिल वर्जन आया हुआ है, वो स्टार्ट होता है 1,45,000 से, एंड इसके ऊपर भी एक वेरियंट है 18 inches का। जी हाँ, 18 inch स्क्रीन के साथ भी आता है, तो बड़ी स्क्रीन चाहिए, यू कैन लुक एट दैट, दैट इज द हाईएस्ट वेरियंट। ये जो है ये 16 inch का QHD डिस्प्ले है, और जैसे मैंने पढ़ा था नेबुला डिस्प्ले है, ये इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस किया है इस साल से, इस वेरिएंट में बहुत सारी नई चीजें इंट्रोड्यूस की है। फॉर एग्जांपल 240Hz फास्ट रिफ्रेश रेट है, 240Hz गेमर्स के लिए तो वाव, मतलब हमने इसके ऊपर GTA डूम वगैरह खेले, अगर आप फुल HD सेटिंग्स पे खेलते हो तो 180fps भी ये आप गेम प्ले कर पाओगे। कोई दूसरे गेम्स होंगे लाइटर, यू कैन गो बियॉन्ड 200fps एज वेल। एंड डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो 100% sRGB है, तो कलर एक्यूरेसी के मामले में भी अच्छा है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, सो दैट इज देयर, एंड इट इज अ ब्राइट डिस्प्ले, 500
टेम्परेड निट्स, सो इवन आउटडोर्स आप इस्तेमाल करोगे यू शुड नॉट हैव टू मच ऑफ प्रॉब्लम्स। बट वंस अगेन मैं स्ट्रेस करता हूं दोस्तों, आई लव दिस डिस्प्ले, वन ऑफ द बेटर डिस्प्लेज आई हैव सीन बिकॉज ऑफ दोज थिन बेजल्स। चलिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। इसमें i9 13 जनरेशन आता है, इंटेल कोर i9 13 जनरेशन जो सबसे ऊपर वाला वेरियंट है, बट यू ऑल्सो गेट इन i7 वेरियंट, ऑल ऑफ देम आर 13 जनरेशन। जीपीयू के लिए भी अलग अलग वेरियंट है, RTX 4050 है, 4060 है, हमारा जो है वो 4060 है, और जो सबसे ऊपर वाला वेरियंट है 18 इंचेस का, उसमें RTX 4070 आता है। वाओ, आई मीन गेमिंग तो आप कर पाओगे, बट अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो प्रीमियर प्रो में, या फिर FCP तो नहीं, प्रीमियर प्रो पे ही करोगे अगर विंडोज पे कर रहे हो, यू कैन इजीली डू इट, यू कैन एडिट वीडियोस। रैम के बारे में बात करूं तो एक तो DDR5 रैम आती है, सो दैट इज गुड, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 16 GB, लेकिन आप एक्सटेंड कर पाओगे 64 GB तक, तो एक्स्ट्रा स्लॉट्स वगैरह। अगर स्टोरेज के बारे में बात करूं तो PCIe 4.0 स्टोरेज टाइप है, 1 TB, तो रीड राइट स्पीड सही में फास्ट है, मतलब 4-4.5 GBPS तक आपको रीड राइट स्पीड्स मिलते हैं, सो बिग थम्स अप देयर। मतलब परफॉर्मेंस के मामले में आई मीन इट इज वन ऑफ द बेटर वंस आउट देयर, इसीलिए मैंने कहा गेमिंग लैपटॉप आप देख रहे हो दिस शुड बी इन द टॉप ऑफ योर लिस्ट। और एक चीज, इस टाइम दोस्तों HDMI 2.1 दिया हुआ है, 4K 120 FPS आपको बड़े स्क्रीन पे चाहिए आप कर पाओगे। एक चीज है जो मैं कहना चाहूंगा, बैटरी जो है हमने इसे टेस्ट किया दोस्तों, बहुत एट लेंथ टेस्ट किया, एंड 3 घंटे से ज्यादा बैटरी लाइफ नहीं मिलती है, उतना मैं कहूंगा, मतलब सब आप गेमिंग वगैरह करोगे बहुत ही इंटेंसिव करोगे तो उससे भी कम होगा, बट 3-3.5 hours इज द मैक्सिमम बैटरी टाइम दैट विल गेट आउट ऑफ दिस लैपटॉप। थर्मल्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों, गेमिंग लैपटॉप है, थर्मल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेलिजेंट कूलिंग इन्होंने कहा है, ट्राई फैन डिजाइन है, इसका मतलब जहां पे CPU है, जहां पे GPU है, वहां पे एग्जैक्टली फैन है, एंड एक ऑक्सिलरी फैन है। उतना ही नहीं, ये जो गेमिंग कीज है आपके ASDF वगैरह जो है दोस्तों, उधर उसी के नीचे फैन है, तो यू विल ऑलवेज फील कूल। हां ऊपर की तरफ वो गर्म होता है, बट इधर जो कीबोर्ड का एरिया है इट इज कूल देयर। और हां हीट डिसिपेशन के लिए लिक्विड मेटल का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसकी वजह से हीट डिसिपेशन ज्यादा अच्छा होता है, जिसकी वजह से थर्मल्स भी ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन आपको पता है जब फैन स्टार्ट होते हैं कितना ज्यादा आवाज होता है, लेकिन ये जो है इंटेलिजेंट कूलिंग जो है 0 dB में, मतलब आवाज बिल्कुल नहीं आता है। इनफैक्ट आप उसे 60-70% तक लेके जाइए फिर भी फैन चालू नहीं होंगे, एकदम हाई आप कुछ कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा इंटेंसिव कर रहे हो, तो फैन का आवाज आएगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं। सो दिस इज अ साइलेंट एंड कूल लैपटॉप। और हाँ दोस्तों, ये ROG लैपटॉप है, ऑब्वियसली आर्मरी क्रेट जो डैशबोर्ड होता है वो आता है, तो आप अगर बहुत ही गीकी टाइप के हो, आपको ओवरक्लॉक वगैरह करना है CPU GPU, वो भी आप आर्मरी क्रेट से कर पाओ। वैसे डिस्प्ले इतना अच्छा होने की वजह से इवन मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए बहुत अच्छा है, डॉल्बी विजन की वजह से जो आपको हाई डायनेमिक रेंज मिलती है एब्सोल्युटली ग्रेट, तो मूवीज या फिर नेटफ्लिक्स वगैरह आपको देखना है, दिस प्रोबेबली इज अ आइडियल लैपटॉप। ऑडियो भी अच्छा है दोस्तों, सिर्फ इतना ही कि ज्यादा अगर थर्मल या फिर फैन अगर ज्यादा चालू होंगे तो आवाज थोड़ा कम आता है, बट जनरली नॉर्मल यूसेज के लिए फैंस डोंट किक इन, इट हैज गॉट अ गुड मल्टीमीडिया आउटपुट एज वेल। वैसे दोस्तों हमने इसके ऊपर कुछ बेंचमार्क्स भी रन किए, इनफैक्ट मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहा हूं, एंड दे वर क्वाइट गुड, आई मीन डेफिनेटली परफॉर्मेंस लैपटॉप है ये, बेंचमार्क से तो वही दिख रहा है। ऑलराइट, कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, वाईफाई 6E आता है लेटेस्ट, सो दैट इज गुड, ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट आता है, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। और OS के बारे में बात करूं तो विंडोज 11 होम एडिशन आता है, विंडोज के फीचर्स कुछ एक्स्ट्रा है उसके बारे में बात करते हैं। डॉल्बी एक्सेस नाम का एक फीचर आता है, जहां पे बेसिकली लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है आपको फॉर दैट डॉल्बी विजन एंड डॉल्बी एटमॉस जो ऑडियो एंड वीडियो के लिए, सो दैट इज दैट। वैसे इंटरेस्टिंगली दोस्तों जनरली यही कलर होता है, ये जो है ये एक्लिप्स ग्रे है, यस, बट इसमें एक नया कलर आ गया है, वोल्ट ग्रीन, ग्रीनिश है वो, आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी पीपल विल गो फॉर दैट, बट यस अलग कलर है, फैंसी कलर है थोड़ा। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे ये लैपटॉप बहुत अच्छा लगा दोस्तों, स्पेशली बिकॉज ऑफ डिस्प्ले, बिकॉज आप तो इंटरैक्ट डिस्प्ले के साथ करते हो, एंड इन अ स्मॉल फॉर्म फैक्टर आपको एक 16 इंच का डिस्प्ले मिलता है, विच इज वेरी वेरी कलर एक्यूरेट, तो मल्टीमीडिया के लिए भी अच्छा है, गेमिंग के लिए तो है ही दोस्तों, बट आपको वीडियो एडिटिंग फोटो एडिटिंग वगैरह करना है उसके लिए भी ये लैपटॉप बहुत ही अच्छा है, सो आई विल रिकमेंड इट इवन फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। हाँ एक ही चीज अगर मैं कहूँ, बैटरी लाइफ थोड़ी कम है, बट अदर देन दैट मुझे लगता है दिस इज अ वेरी वेरी गुड गेमिंग लैपटॉप, ROG Strix G60। कैसे लगा वीडियो, अच्छा लगा दोस्तों? अगर आपको खरीदना है लैपटॉप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जरूर जाके देखिएगा। वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।